उन्नाव में डीएम के आदेश के बाद अपराधियों के खिलाफ लगातार कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। वहीं रविवार को एक बार फिर डीएम के आदेश पर गैंगस्टर संतोष बाथम के खिलाफ 55,11,680 रुपए की कुर्की की कार्रवाई की गई। डीएम के आदेश पर आज सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर और सीओ सिटी ने मुनादी करवाकर कुर्की की कार्रवाई की। साथ ही गैंगस्टर संतोष बाथम की संपत्ति के सामने पुलिस ने कुर्की जब्तीकरण के बोर्ड भी लगा दिए। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट विजेता, एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह और सीओ सिटी आशुतोष कुमार के साथ ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि कोतवाली गंगाघाट क्षेत्र के रहने वाले गैंगस्टर संतोष बाथम का काम ही सरकारी जमीनों और गरीब किसानों की जमीनों को कब्जा करना रहा है, जिसके बाद आरोपी उन जमीनों को बेच देता था। वहीं आज खैरहा ऐतहमाली गांव और देवरा खुर्द गांव में गैंगस्टर की दो अचल संपत्तियों पर बोर्ड लगाकर कुर्की की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने मुनादी भी करवाई। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट विजेता ने बताया कि संतोष बाथम की दो संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। अब इस संपत्ति की बिक्री और खरीद करना पूरी तरह अवैध है। जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत 55,11,680 रुपए है। माननीय जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार गैंगस्टर अपराधी संतोष बाथम पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी 15/232 शक्ति नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट उन्नाव के अवैध व आपराधिक कृत्यों से अर्जित अचल संपत्ति गाड़ा संख्या 48/49 क्षेत्रफल 1181.36 वर्ग मीटर स्थित देवारा खुर्द तहसील सदर उन्नाव को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय नायक उन्नाव के आदेश के अनुपालन में अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कुर्क व जब्त किया जा रहा है। इसकी बिक्री व खरीद करना कानून रूप से अब अवैधानिक है और व्यक्ति के विरुद्ध इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।